सब लोग लगे पड़े हैं अपने अपने मोबाइल में, समझ नहीं आ रहा है इन लोग को क्या बोल रहे हैं कि वो लोग चाइनीज यूज कर रहे हैं। भाई इसको देखो, हमने अभी मिठाई खिलाया। हाउ इज द टेस्ट? गुड। क्या टेंशन हो गया भाई, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, टेंशन बाल पकड़ के बैठा। ये टॉपिंग कर रहे हैं अभी, इसमें ऊपर से घी डाल रहे हैं और सब्जी वगैरह सब। अभी तक मैंने कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं किया है योगा का या फिर डांस का कुछ ऐसा, अभी तक मैंने नहीं किया। अभी भी देखो चलते हैं और बिल वगैरह बनवा लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 10:15। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप्स यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और स्वागत मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, मैं बता रहा हूँ आज वाईफाई का मेरा ब्लॉग है क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो आज बहुत दिन बाद, एक हफ्ते बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला है तो वाईफाई लगाने के लिए अभी ओनर ने किसी को भेजा है और जो मेरे इस फ्लैट की ब्रोकर एक है जिसने ये फ्लैट दिलाया था वो भी आई हुई है, तो उससे डील कर रहे हैं। इसको बहुत once, like if she agrees. तो बहुत कुछ कुछ इशू है तो वो बात कर रहा है कुछ सेटल करने के। वाईफाई वाला बंदा अपना सामान लेकर के आया है, बाहर बैठा हुआ, मैं दिखा रहा हूँ बंदा कैसा है। हमारा जो प्लान था ना वो एक्चुअली वो 599 का एक प्लान था, $599 का। बट अभी उस जब वो आया वाईफाई लगाने के लिए तो उसने टीवी चेक किया, बट वो कंपैटिबल नहीं है वो सेटअप बॉक्स लगने के लिए, तो वो नहीं लगेगा। मे बी अभी प्लान चेंज होगा वाईफाई का, तो ओनर बात कर रही है जहाँ से इसने बंदे भेजा है उसने, तो देखते हैं प्लान कितना का वो लगाता है। भाई सडनली से हमारे घर के फ्लैट की जो ओनर है वो भी आ गई है और बहुत सज सवर के आई है। अभी अंदर गई है वो भी चेक करने और क्या क्या इशू है, तो पता नहीं ये लोग क्या क्या चाइनीज से बात कर रहे हैं, बट देखते हैं क्या और होता है। भारी भरकम डिस्कशन चल रहा है और मुझे जो लग रहा है ना वायर को लेकर के चल रहा है कि किधर कैसे लाना है, कुछ इसी टाइप का कुछ हो रहा है क्योंकि ये लोग चाइनीज से बात करें मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ हो रहा है। देख रहे क्या डिसीजन चल रहा है, ये देखो ओनर आई गई, ये ओनर है घर की। दो सबसे अच्छा बात क्या है ना, दो मशीन लगा रहे वाईफाई का, एक हमारे बीच में सेंटर में लगा रहे हैं ताकि कवरेज एरिया ठीक रहे। वाईफाई 6 मशीन है ये, तो बढ़िया है मुझे लगता है कवरेज वगैरह बहुत अच्छा देगा, देखते हैं कैसा कवरेज वगैरह। क्या बोल रहा है? बस देखते हैं एक बार लगने के बाद क्योंकि हो तो गया है, केबल वगैरह बाहर से ले लिया है। वाईफाई तो अभी लग गया बट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ हो रहा है इसके एंड से, तो ये भी वेट कर रहा है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। इतना कुछ सामान लेके आया बट मुझे लगा कि बहुत सारा सामान इसके पास था, मेन चीज़ तो था ही नहीं हथौड़ी। हथौड़ी के लिए परेशान हो रहा था सब, कहाँ से हम लोग से पूछा था हथौड़ी है कि नहीं, भाई हम कहाँ हथौड़ी लेके इंडिया से आए क्या जो यहाँ मिल जाएगा इजिली। हमने बोला था आधा इस्तेमाल कर ले, इसने ऑप्शन दिया था, बोला कि भाई आधा मतलब ईंट आधा हाफ रखा हुआ उधर, उसी को साके उठा के ठोक लेते हैं। लेकिन ओनर चली गई अपने घर चली गई हैमर लाने, वो हैमर लेकर के अभी आए तो जाके क्लिप वगैरह लगाया। उसको क्या टेंशन हो गया भाई, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, टेंशन बाल पकड़ के बैठा। भाई वाईफाई तो लग गया बट अभी मैंने स्पीड चेक किया, मुझे स्पीड थोड़ा कम लग रहा है। हमने जो प्लान लिया वो 300 MB का है बट थोड़ा कम अभी दे रहा है, बट पता नहीं क्या सीन है, वो अभी चेक कर रहा है, अभी वो चेक कर रहा है कि एक्चुअली मैटर क्या है। और ये देखो ये ओनर है और ये ब्रोकर है, ठीक है, ओनर है और लाइट वाले ब्रोकर। अभी हमने ना इसको मिठाई ऑफर किया, अभी गुलाब जामुन मैंने लिया, नहीं गुलाब जामुन नहीं सॉरी रसगुल्ला, अभी मैंने रसगुल्ला इन लोग को ऑफर किया क्योंकि हम लोग ट्रिनिटी गए थे तो वहाँ से हमने रसगुल्ला लिया था। क्या मैटर हो गया समझ में नहीं आ रहा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, स्पीड का ही मैटर का बात। एक्चुअली ये ओखला में स्पीड टेस्ट दिखा रहा है तो वहाँ 300 MB बता रहा है, बट एक्चुअली में और भी जो साइट है वहाँ नहीं दिखा रहा। वो हम लोग इससे ये बोला क्या बंदा कि तुम लोग का फोन बहुत ओल्ड है। अबे फोन ओल्ड है, नया फोन है, 5G सब फोन है, हम लोग ओल्ड नहीं है, तो एक बार मैं इसे लैपटॉप में भी चेक करा के दिखाता हूँ, देखते हैं क्या बोलता है। ये लैपटॉप में एक बार इसको दिखाते हैं, अभी चेक कर। सब लोग लगे पड़े हैं अपने अपने मोबाइल में, समझ नहीं आ रहा इन लोग को क्या बोल रहे हैं कि वो लोग चाइनीज यूज कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ पॉइंट? भाई इसको देखो, हमने अभी मिठाई खिलाया और हाउ इज द टेस्ट? गुड। ही सेड टू मच स्वीट, राइट? ही सेड टू मच स्वीट।
पता नहीं उसे पसंद आया नहीं, बट उस तो ऐसे ही बोल रहा है या लाइक क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। अपनी लैंग्वेज में ये लोग बहुत जोर जोर का बात कर रहे हैं, वो लग तो गया है, बाकी जो भी है देख लेंगे, मुझे सही लगा। व्हाट हैपेंड? ओके बाय 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 बाय। इंडिया से हमने काजू लेके आया था, तो काजू रखा हुआ था कुछ दिनों से, मैं सोचा यार कैसे खाएं कैसे क्या करें नहीं करें, तो आज हमने काजू को ये देखो आज मैं फ्राई कर रहा हूँ, और फ्राई कर करके अभी डब्बे में डाल दूंगा, और जब मन करेगा तब खाएंगे, नमक वगैरह डाल करके बहुत सही लगेगा। कभी कभी के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, हेल्थ खराब हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा। अब लग रहा जल रह गया भाई, तुम प्रोफेशनल हो क्या? कल मैगी वैगी नूडल्स बनाते थे क्या? अरे नूडल्स मैंने ही तो बनवाए हैं। आज हमारे घर पे खाने में बिरयानी बना है, वेज बिरयानी जो अंकित भैया। ये देख रहे हो ये टॉपिंग कर रहे हैं, अभी इसमें ऊपर से घी डाल रहे हैं, और सब्जी वगैरह सब अंदर डाल दिए ना। लग रहा है यहाँ पहली बार बिरयानी हम लोग खा रहे हैं, कि हमें तो ऐसे बिरयानी बनाने आता नहीं है, और अंकित भैया बनाए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वेजिटेरियन है तो वेज बिरयानी बनाए। और इसमें क्या करेंगे ना, हमने सोच रहे कि बॉइल्ड एग वगैरह अलग से डाल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो अच्छा लगेगा, वो कर लेंगे। और है ये क्या है, ये उसके लिए है शाम का दम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दम है, और हम लोग ऐड करके और भी बना सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बना है कुछ। और इधर शर्मा का मेहनत देख लो, ये रायता बना रहा है। अरे तू मार देगा क्या, ऐसे क्यों देख रहा है? देख लो भाई अच्छे से बोलो, रेमिटेंस का अमाउंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बैंक में, हड़ताल कर देंगे। अभी खाना होना बन जाएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। एक्चुअली मेरा एक रेमिटेंस अटका हुआ था, उसके लिए हमने इन्हें मेल किया है। और हाँ सबसे अच्छी बात, टीवी भी चलना शुरू हो गया है, इसमें मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया है तो बहुत अच्छे से ये चल रहा है। तो ये हम एरिया हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ बैठ के खाना वाना खाएंगे, और टीवी स्टार्ट हो गया है तो टीवी मस्त यहाँ से बैठ के कोई भी मूवी वगैरह आराम से देख सकते हैं। ये देखो भाई हमारा बिरयानी बन गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और टेस्ट भी वैसे ही मस्त होगा, ऐसा लग रहा है कि चिकन है बट एक्चुअली में चिकन है नहीं। तो चलो अब हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से मुझे भूख लगा, मैं तब से इंतज़ार ही कर रहा था खाना खाने का, और देखते हैं टेस्ट कैसा है। अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं, वैसे तो चलो जिम हो लेता हूँ, क्योंकि अभी जिम होके आ जाऊँगा, क्योंकि जिम में भी मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएगा, नहाने वहाने के बाद तो भाई टाइम लग ही जाता है, तो अभी इसलिए चलो जल्दी चलते, थोड़ा लेट हो गया और पहले निकलना चाहिए था, बट ठीक है चलते हैं, कल से फिर तो देखना ही है। ये यार हमेशा सिग्नल पर टाइम लग जाता है, यहाँ थोड़ा टाइम मिलता है, पता नहीं नहीं खुलता है, और लेकिन फाइनली मेरे लिए ये खुल ही गया। चलो भाई सही है, जिम का ये इसलिए सेटिस्फाइंग है, यहाँ खड़े हो जिम में पर पहुँच जाओ, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन मेहनत तो ऊपर जाके भी करना है। आज सोच रहा हूँ आज लेग कर लेता हूँ, हाँ आज लेग डे कर लेता हूँ, फिर कल देखते हैं तो कुछ नया शुरू किया जाएगा। केबिन नहीं मिला है यार कुछ दिनों से, पता नहीं ये मे बी कल मैं मिला था उसे शाम में बाहर। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं जिम, मैं स्कैन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अटेंडेंस लगाना है, स्कैन करना होगा ऐप के थ्रू, तो वो मैं कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। अभी तक मैंने कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं किया है योगा का या फिर डांस का कुछ ऐसा, अभी तक मैंने नहीं किया। अभी देखो अभी डांस क्लास हो रहा है, कुछ तो कुछ हो रहा है यार, बट क्या हो रहा है तो अभी तक मैंने किया नहीं है एक बार भी, उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना रहता है पहले से ही, बट मैं ध्यान नहीं दिया कब क्या है नहीं है, अभी तक मैं एक बार भी गया नहीं हूँ, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, सारा कुछ ऐप में चाइनीज़ में तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए देखते नहीं है। हम लोग अभी फाइनली जिम करके निकल रहे हैं, और जब आज हम लोग ना जिम करने के बाद सोचे आज तो जकूजी में जाएंगे, ठीक है, तो जकूजी में अभी हमने गए तो दिक्कत क्या था कि वहाँ आप तो कोई कपड़े पहन के नहीं जा सकते, ठीक है, और हम लोग ऐसे कभी गए नहीं हैं, बोले भाई आज तो जकूजी में जाएंगे, क्योंकि यार गए नहीं थे तो हमें क्या कि बोले चलो अंडरवेयर में ही चले जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हमने चले गए। उसके बाद एक बंदा एक आदमी उसमें पहले से भी था, तो वो तो ऐसे ही नंगा पंगा जो भी था। चलो पहले टॉवल सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या ना, एक्चुअली उसमें तो एक पहले से आदमी था, तो उसने कुछ नहीं बोला, हम लोग अंदर ही चले गए और अंदर ही रुके रहे, और जिम वाला एक पर्सन स्टाफ भी आया, बट हम बाहर नहीं निकले वैसे ही। बट थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, वो यही ताइवानीज का था, ताइवान का ही था,
तो उसने हम लोग को देखा हाय भाई नॉर्मली हुआ, बट हम जब निकल रहे थे ना तो उसने अंडरवेयर में देख लिया हम लोग को, तो हंसने लगा। फिर वो बोला कि ये अलाउ नहीं है यहाँ। शर्मा उसको बोला किसी को बताना मत भाई कि हम लोग अंडरवेयर में गए थे, ऐसे कौन जाएगा यार। क्योंकि यार जकूजी में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मसल रिलैक्स हो गया, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ठीक हो जाता है। टेम्परेचर जो था पानी का 39-40 था, 10-15 मिनट उसमें रिलैक्स किए, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद करके हमने चलो अब निकलते हैं, क्योंकि भाई कोई देख लेगा तो अलग ही सीन, कोई कंप्लेन ना कर दे कि भाई अंडरवेयर पहन के अंदर है तो क्या भाई खोल करके जाएंगे। उसको तो हमने चुप करा दिया है, अब देखते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। और अभी हम चल रहे हैं, क्या हुआ ये बंद क्यों है, अभी जा रहे हैं पी एक्स मार्ट, सोच रहे हैं दूध ले लेते हैं, दूध नहीं है, और कुछ कुछ देख लेते हैं, टोफू वगैरह कुछ ले लेते हैं। यार हमें तो टोफू मिला नहीं, आई थिंक ख़त्म हो गया है, तो ब्रेड और दूध ले लिए हैं, यही बहुत है, कल देखा जाएगा, कल अगर आए मिल गया तो ठीक है, क्योंकि साइड डिश में एक टोफू फ्राइड रहता है तो अच्छा लगता है। चलते हैं आप बिल वगैरह बनवा लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 9:45 हो गया है और आज लेट हो गया है। कहाँ आगे वाला, ये ठीक है, अभी बिल वगैरह हमारा हो गया। ये बिल के बाद पता नहीं मुझे ये क्या दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, देख रहे हो, पता नहीं ये क्यों दी है, ये स्टैंप टाइप कुछ लग रहा है, पता नहीं लॉटरी है क्या है, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे। हो गया, चलो यहाँ ले के चलते हैं, इसको दिखाते हैं ये है क्या, एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा है, लॉटरी होगा भाई, चलो बहुत महंगा लॉटरी लगेगा। यहाँ का इस एरिया का माहौल ही कुछ और है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ मार्केट वगैरह है। ये देखो मैक भी यहीं पर है, बट अभी गए नहीं है, कभी जाएंगे देखेंगे मूड हुआ तो अच्छा लगता है ये एरिया। चलते हैं अब घर और मिलते हैं। क्या कौन मारता, अरे भाई किसी का टप्पी नहीं लगता। मिलते हैं आप लोग से फिर एक नए ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।